तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी में, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। आज दोस्तों हम बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको क्या पैसा लगाना चाहिए, लास्ट मौका है दोस्तों, आज डे टू हो चुका है, तो क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए और क्या रीज़न है, इसके फंडामेंटल के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही सही समय है। तो वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। देवयानी इंटरनेशनल दोस्तों 1991 से कंपनी के एस्टेब्लिश है और देवयानी इंटरनेशनल एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है, जिसमें यम ब्रांड और कुछ रेस्टोरेंट सर्विसेज चेन ऑपरेटर है दोस्तों ये। इसके दोस्तों हम देखना चाहें तो कितने स्टोर हैं इंडिया में, इंडिया में अराउंड दोस्तों इसके 655 स्टोर हैं जो 155 सिटीज़ में फैले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, जो अभी तक का 31 मार्च 2021 का डाटा है। इसमें यम ब्रांड के कौन कौन से फूड ब्रांड ये फ्रेंचाइजी लेती है, इसमें दोस्तों बहुत ही फेमस ब्रांड आपको देख सकते हैं, पिज्जा हट, KFC, टोको बेल्स ब्रांड और कोस्टा कॉफ़ी। दोस्तों अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे बर्गर किंग का IPO आपको पता ही होगा कि बम्पर लिस्टिंग हुई थी, और दूसरा हम जुबिलेंट फूड इस सेगमेंट में आता है तो जुबिलेंट फूड डोमिनोज पिज़्ज़ा और इनको इनकी फ्रेंचाइजी लेता है। तो दोस्तों जुबिलेंट फूड या बर्गर किंग को अगर हम कंपेयर करें देवयानी इंटरनेशनल से, तो दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल इनसे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे इसके डाइवर्सिफाइड इसके रेस्टोरेंट मतलब फ्रेंचाइजी ली हुई है इसने, पिज़्ज़ा हट, KFC, टोको बेल्स, कोस्टा कॉफ़ी, इस तरीके से। तो इसमें आपको एक उस कंपनी की इस कंपनी की थोड़ी एज है उनके ऊपर, क्योंकि वो एक ही फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपको इस कंपनी इसमें अप्लाई करने का बेनिफिट मिलेगा। तीन बिजनेस वर्टिकल में ऑपरेट करती है, एक कोर ब्रांच को फेमस सबसे मेनली रेवेन्यू इनका यहीं से आता है कि KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफी की स्टोर की फ्रेंचाइजी लेती है इंडिया में ये, और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इनका नेपाल और नाइजीरिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अदर बिजनेस की बात करें तो इनका खुद की कुछ ब्रांड स्टोर है, जैसे वांगो फूड स्ट्रीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मसाला ट्विस्ट, हिल बार, अमरेली जूस बार कुछ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत पिज़्ज़ा हट स्टोर इन जयपुर से करी थी, उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो करते गए और KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों को इंक्लूड करते इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस ग्रो किया है। तो बात करते हैं कि इनकी टोटल KFC के स्टोर्स 264 KFC स्टोर है दोस्तों, 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर है और 44 कॉफ़ी स्टोर है कोस्टा कॉफ़ी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो पहले मैंने वही बताया कि इस सेगमेंट में जो कंपनीज आती है जुबिलेंट फूड, बर्गर किंग, उनसे अलग इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और प्रोडक्ट को वेल मैनेज करते हैं, लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड है दोस्तों इनकी, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अक्रॉस सिनर्जी प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इनका जो स्टोर्स है दोस्तों, अभी आपको मैनेजमेंट से बात करने पर पता चलता है कि इन्होंने लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना में भी इन्होंने अपने स्टोर्स खोले, जबकि मोस्टली सभी दुकानें बंद थी, फिर भी इन्होंने अपने अराउंड 50 से ज़्यादा स्टोर कोरोना के वक्त में खोले, तो देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की बात करें तो दोस्तों रविकांत जयपुरिया सर हैं और वरुण जयपुरिया और बाकी आरजे कॉप लिमिटेड करके कंपनी के प्रमोटर। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस कंपनी की फाइनेंसिंग स्टेटमेंट कैसी है, अब देख लेते हैं 21 मार्च 2020 को प्रॉफिट हम डायरेक्ट देखते हैं तो 941 करोड़ का मिलियन का प्रॉफिट दिखा है दोस्तों, 21 मार्च 2020 का 1214 करोड़, और कोविड के बाद भी इन्होंने देखो 21 मार्च 2021 का 629 करोड़, मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों, लॉकडाउन के बावजूद भी इतना अच्छा प्रॉफिट निकालना काफ़ी बड़ी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों इन IPO के बारे में आप, तो दोस्तों ये टोटल 1838 करोड़ का IPO है, जिसमें से फ्रेश इशू 440 करोड़ और 1398 करोड़ इन्होंने ऑफर फॉर सेल के लिए निकाले, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी की IPO क्लोजिंग डेट 6 अगस्त है और ओपनिंग 4 अगस्त, फेस वैल्यू 1 रुपया है दोस्तों पर इक्विटी शेयर। आपको IPO की प्राइस बैंड में बताना होगा 86 to 90, हमेशा दोस्तों अगर आप कभी भी IPO में अप्लाई करना चाह रहे हो और आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चाहिए कि आपको अपना अलॉटमेंट मिले, तो 90 rupees हायर बीट प्राइस पे ही आपको अलॉटमेंट आपको प्राइस बीट करना चाहिए 90 rupees जो यहाँ पे दिखी हुई है। अब एक लॉट में आपको 165 शेयर, और एक मैं आपको एक हिडन सीक्रेट बताना चाहूँगा कि एक डीमैट अकाउंट से मैक्सिमम एक ही लॉट आप करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है आपको अलॉटमेंट मिले, रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, NSE और BSE दोनों में लिस्टिंग होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आपको अलॉटमेंट कब तक मिल सकता है, दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपको 11 अगस्त को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, अगर आपको आप बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि इसमें लिस्टिंग गेन काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस है दोस्तों, डेफिनेटली अगर आपको मिला तो आप इसमें आप समझ लीजिए आपकी बम्पर लॉटरी लगी है, आपका पैसा डबल हो जाएंगे लिस्टिंग के दिन ही, अगर नहीं मिले तो आपको 12 तारीख तक आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, 12 से 13 तारीख तक आपको शेयर क्रेडिट 13 अगस्त को होगा, तो 16 तारीख मोस्ट प्रोबेबली लिस्टिंग डेट है दोस्तों। अभी 4 अगस्त को 4 IPO आए हुए हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि IPO की लिस्टिंग डेट थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है आगे भी आगे हो सकती है, जैसे हमने देखा था सत्य चिंतन IPO। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको इसमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे टू का मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर
का जो इंटरेस्ट है शुरू से दोस्तों इसमें रहा है 1.32 गुना, यानी पहले दूसरे ही दिन ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है QIB में। जब भी दोस्तों QIB अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यह रहता है कि आपको लॉन्ग टर्म में इसमें पैसा बन सकता है। और NNI की बात करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी HNI, 6.32 गुना, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और दोस्तों रिटेल की तो क्या बात करें, रिटेल के पास बम्पर पैसा है दोस्तों। आप देख सकते हैं रिटेल ने पैसे की बारिश कर दी है इस IPO में, 23 टाइम्स ऑलमोस्ट हो चुका है, गुना बढ़ चुका है। एम्प्लॉय का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, यानी ओवरऑल डे टू का आपका मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस में आपको बता रहा हूँ 5 अगस्त का 6.6 टाइम्स दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, यानी अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। मुझे लगता है कि ये IPO 250 गुना तक बढ़ सकता है। अभी आप देखते रहिए थर्ड डे में आपको क्या क्या इसमें अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ लेटेस्ट GMP की। तो GMP की बात करें तो दोस्तों इसका लेटेस्ट GMP डे वन में अराउंड 62 रुपीज़ था, जो अब जाके 66 रुपीज़ हो चुका है दोस्तों। अगर हम इसको परसेंटेज गेन की बात करें तो 90 के ऊपर में निकाले तो अराउंड आपको 73%, मोर देन 73% आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है। और अगर आप में एक दिन और बाकी इसमें तो हो सकता है आपका पैसा बिल्कुल ही डबल ही हो जाए दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप NNI का इन्वेस्टमेंट जितना भी ज़्यादा होगा लिस्टिंग के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। अगर GMP एक मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा कि HNI की जो कॉस्ट होती है दोस्तों, उसके लिए बहुत लंबा वीडियो जाएगा, HNI कॉस्ट कैसे निकालती है, अगर वो कम है GMP से तो उसी दिन आपको लिस्टिंग बम्पर लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है दोस्तों। ये एक आप हिडन सीक्रेट है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपने 4 IPO में से जो अभी निकले 4 अगस्त को, मिल्ला, दिव्यानी, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एक्जारोटाइल, इसमें से किस में आपने अप्लाई किया है, अगर आपने किसी में भी अप्लाई किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।